ऐसे बड़े बच्चे भी हैं जो अभी रिसेंटली एग्जाम देने वाले होंगे या फिर आगे देंगे, लेकिन वो स्लो लिखने के कारण अपना एग्जाम पूरा नहीं कर पाते। तो मैं कुछ टिप्स बड़े बच्चों को भी देना चाहूंगी जो रिसेंटली एग्जाम देने वाले होंगे, तो उनके लिए भी टिप्स है। अगर कोई भी बड़ा बच्चा एग्जाम में बैठने वाला है या एग्जाम देने वाला है और वो स्लो लिखता है और स्लो लिखने के कारण उसका एग्जाम पूरा नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं जो टिप्स बता रही हूँ वो आप वो फॉलो करके अपने एग्जाम को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो जो भी एग्जाम दे रही हैं तो उसके कितने पार्ट्स में उसका एग्जाम आता है उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। अगर बड़े बच्चों के एग्जाम में 5 पार्ट्स आते हैं तो जरूरी है कि वह अपने टाइम को भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। तो जैसे कि अगर उसके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आने वाले हैं सपोज, तो वो अपने टाइम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे कि अगर उसका 3 आवर्स का एग्जाम है तो वो अपने टाइम को भी 3 आवर्स में डिवाइड करे। जैसे कि हाफ एन आवर 35 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं, तो उसे 35 मिनट्स में ही एक क्वेश्चन लिखना है और वो उसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा के लिखना है। कई बार जो हमारा एग्जाम छूटता है उसके लिए पीछे रीजन होता है कि हम शुरू में बहुत ही जोश में होते हैं और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने के चक्कर में हम शुरू में तो बहुत धीरे धीरे लिखते हैं और एक क्वेश्चन को बहुत सारा टाइम दे देते हैं, और उसके बाद जब टाइम खत्म होने वाला होता है वो बहुत स्पीड में बहुत गंदा लिखने लग जाते हैं और उसके बाद में उनका पेपर भी कई बार छूट जाता है और लिख नहीं पाते हैं, टाइम कम्प्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आप वो क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले वो मेंटेन करे स्पीड को। आप एक अच्छा पेन चूज कीजिए, बहुत जरूरी है एक राइट पेन चुनना बड़े बच्चों के लिए। सबसे पहले उन्हें ये चूज करना बहुत जरूरी है कि वो एक राइट पेन लें। राइट पेन होना चाहिए, जैसे कि 4 और 5 तरीके के पेन हमारे मार्केट में आते हैं, पायलट पेन, बॉल पेन और निप पेन। तो उनको पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उनके हैंड में कौन सा पेन कंपेटेबल है या किस पेन से उनके जो हैंड है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजिशन में लिख पाता है। तो सबसे पहले वो एक बहुत ही अच्छा पेन चूज कर ले और उसे एक एक पैराग्राफ लिख के देखिए और ये लिख के देखिए कि किस पेन से उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज आती है। उसके बाद में वो पेन चूज कर ले और पेन चूज करने के बाद में आप एक पेज लिख के देखिए और देखिए कि भाई ये पेन जो है उनके लिए बिल्कुल अच्छा है और इनसे उन्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड थिंग, जब उन्हें एग्जाम में शीट मिलती है लिखने के लिए तो वो शुरू से ही स्पीड मेंटेन करके चले। ये नहीं कि आपने शुरू में धीरे लिखा और बाद में तेज। आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड 3 आवर्स हैं तो आपको स्पीड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपको शुरू से ही एक स्पीड मेंटेन और किस मैक्सिमम स्पीड पे आप लिख सकते हैं उसकी प्रैक्टिस एक बार आप शुरू में ही अपने घर पे कर लेना कि ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आपको तेज लिखना होता है, तो आप अपनी स्पीड को जितने तेज आप हाथ चला सकते हैं उतनी तेज आप अपनी स्पीड को शुरू से ही नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से ही लिखना शुरू करें। हो सकता है कि इससे आपकी राइटिंग गलत खराब आएगी, तो इसके लिए मैं आपके लिए टिप्स बता रही हूँ कि हमेशा जो भी आप लिख रहे हैं उसमें थोड़े बड़े साइज के लेटर लिखिए। इंग्लिश का हो या हिंदी का, आप लेटर थोड़े बड़े लिखिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम में छोटे छोटे लेटर्स में लिखेंगे तो आप एक तो आप स्पीड में लिख रहे हैं फिर छोटे लेटर्स लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे लेटर्स खराब या गलत लिखे जाएं और रीडर को समझ में भी ना आए। तो आप ये समझिए जो एग्जामिनर है उसको इतना टाइम नहीं है कि वो एक शीट पे जो है छोटे छोटे अक्षरों में आपका पढ़ता रहेगा, तो इस जरूरी है कि आप एग्जामिनर को ऐसी शीट दे जो उसे दूर से दिखाई दे और दूर से उसे लिखा हुआ समझ में आए। चाहे आपने तेज स्पीड में भी अगर आपने लिखा होगा, लेकिन अगर लेटर्स बड़े होंगे और थोड़ा सा आप उसे स्पेस देके लिखेंगे ना, स्पेस देके लिखो और उसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखो ताकि रीडर को दूर से ही दिख जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है, बेशक वो आपने थोड़ा सा खराब या गलत लिखा है तब भी। तो हमेशा एग्जाम में थोड़ा सा बड़े लेटर्स में लिखिए और स्पेस देके लिखिए दो शब्दों में, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिखाई दे जाए कि भाई आपने क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा कि अगर आपकी स्पीड बहुत तेज में भी आप लिख रहे होंगे तो उसको एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके लेटर्स को समझने में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि हम अगर हमें एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है तो हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हम किस स्पीड में लिख रहे हैं, किस राइटिंग में लिख रहे हैं या फिर
किस कितने बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आता तो है, अगर आपने पेपर में लिख भी दिया लेकिन अगर एग्जामिनर को वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा और आपकी शीट में आपको कम नंबर देके खत्म करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप एग्जामिनर को ध्यान में रखिए, अपनी शीट को कवर कीजिए और अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। और हमेशा अगर आप 8th में है, 9th में या 10th में है, तो जो पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि पहले स्मॉल एक वन वर्ड क्वेश्चन या वन लाइन वर्ड्स होते हैं और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप 8th, 9th या 10th में हैं तो सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और वो जो है उस लॉन्ग क्वेश्चन पे आप कितना मैक्सिमम टाइम है वो पहले फिक्स कर दीजिए कि 15 मिनट्स आपके एक क्वेश्चन के लिए आपको मिले हुए हैं। एक बार जो है अगर आपके पास 3 क्वेश्चन है तो 3 में अगर आपको 15 में कंप्लीट करना है तो 15 मिनट्स ही उस पे दीजिए, तेज स्पीड में, अपनी हाईएस्ट स्पीड में 15 मिनट्स लिखिए और 15 मिनट्स के बाद स्टॉप हो जाइए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करिए। तो आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन करिए और लास्ट में आप वन वर्ड या वन लाइन क्वेश्चंस करिए, क्योंकि जब टाइम खत्म हो रहा होता है, आपके पास टाइम कम होता है, तो बहुत ही आसान है कम टाइम में एक वर्ड लिखना या एक लाइन लिखना। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और क्वेश्चन लॉन्ग है तो आप कम टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं लिख पाएंगे और ना ही उसे ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करिए, लेकिन उस पर एक घंटा ना लगा दें, उसका जो लिमिटेड टाइम है 15 या 20 मिनट जो आपने डिसाइड किया हुआ है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उतना ही टाइम आपको देना है। तो आप हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन को पहले करिए और स्मॉल क्वेश्चन को बाद में करिए। ये सारी टिप्स मैंने खुद अपने एग्जाम्स में फॉलो की है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एक बार खुद मेरा जो एग्जाम है वो पूरा पार्ट छूट गया था और मेरे को आने के बावजूद भी मैं उसे नहीं लिख पाई थी, टाइम मेरा फिनिश हो गया था। तो वहीं से जो मैंने उस दिन के बाद जो मैंने टिप्स फॉलो की है और मैंने अपने पेपर को कम्प्लीट किया है, उस दिन के बाद मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं लेकिन कभी भी मेरा, चाहे वो कितना ही लेंथी सोशल स्टडीज या साइंस का एग्जाम क्यों ना हो, लेकिन मेरा कभी भी जो पेपर है वो कभी भी टाइम से पहले जो है हमेशा खत्म हो जाता था, टाइम पे ही मेरा कभी भी मेरा कोई क्वेश्चन उसके बाद नहीं छूटा है। तो ये टिप्स मैंने जो फॉलो की है वो मेरे बड़े बच्चों के लिए है, आप इन टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको अगर आता है तो, लेकिन पेपर में आपको लिखना भी जरूरी है और राइट वे में लिखना जरूरी है। हेडिंग्स बना के लिखिए, अंडरलाइन करके लिखिए, आप हेडिंग के अंदर आप पता होता है कि एग्जामिनर को कि भाई आप क्या लिखने वाले हैं उसके अंदर, और यही वो चीज होती है जो आपके एग्जाम में स्कोरिंग करती है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? मैं अपनी वीडियो में हमेशा कुछ हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको कोई टिप अच्छी लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और इन्हें फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट रहा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। एक चीज मैं और अपने दोस्तों को हमेशा कहना चाहूंगी कि आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा आशा रखनी चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हो, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ट्राई करते रहना है, क्योंकि ट्राई करने से ही एक दिन सक्सेस मिलती है।